पूर्व सीएम अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। तो मैं एक बार तो सोचा कि शायद ये बच्चे लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, चलो इसी बहाने में टेस्ट कर लेता हूं। तो जब कार्यक्रम मेरा फाइनल हो रहा था, मैंने अपने ऑफिस से कहा कि उन बच्चों से पूछ लो कहीं कोई जरूरत तो नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि इन छात्रों ने अपने संसाधन से, अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से शानदार एग्जीबिशन लगाई। और हम तो जानते हैं सरकार में जब एग्जीबिशन लगती थी तो न जाने कितने एग्जीबिशन लगाने वाले स्पॉन्सर ढूंढते थे। कम से कम ये छात्र जो सीख रहे हैं या जो आने वाले समय में बड़े कलाकार या चित्रकार के रूप में उभर करके आएंगे, अपनी कला का न केवल यहाँ पर बल्कि समाज के लिए और देश और दुनिया के लिए करेंगे। हमें खुशी है इस बात की कि इतने कलाकारों से मिलने का यहीं पर मौका मिला। और ये भी मैं याद दिला दूं कि बिना सरकार के बिना जो हम चाहते हैं, जिस रूप में कला को चाहते हैं, शायद संभव नहीं है। और जिन मुल्कों ने अपने कलाकारों को सम्मान दिया या कला को सम्मान दिया, वो दुनिया में बहुत आगे है, बहुत आगे है। जो हेरिटेज है, जो कला है, जो छूट गई वो कैसे बाहर आएगी। इसलिए हम मैंने कहा कि इनकी कला तो अभी दिखाई दे रही है, हमारी तो 22 में दिखाई देगी। और मैं भरोसा दिलाता हूं जो हमारी ललित कला एकेडमी है, एक भी पॉलिटिकल आदमी इसमें नहीं जा पाएगा। क्योंकि दुनिया के जो ललित कला के लोग हैं उनको हम मौका देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसकी संरक्षण की जरूरत है। और मुझे याद है कि हालांकि एक हिस्सा है, लेकिन अगर पुराना लखनऊ देखें और खासकर जो हमारा आपके घर के पीछे वाला इलाका है, वो जो हेरिटेज जोन बनाना शुरू किया था, वो हेरिटेज जोन आज भी अगर अधूरा है, लेकिन बहुत सारे जो फिनिश काम उससे सुंदर दिखाई देता है। और मुझे तो बाद में पता लगा कि वहां मेला बहुत लगने लगा, लोग बड़ी संख्या में आते हैं। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि कुछ लोगों को काम और रोजगार भी मिल गया वहां। जो इलेक्ट्रॉनिक चाइनीज गाड़ी है उससे बच्चों को घुमा रहे हैं, हालांकि ऊंट से भी कारोबार अच्छा हो रहा है, घोड़ा भी है, तांगा भी है। यही तो हमारे लखनऊ की बात। और मैं ये कह सकता हूं शहरों में शहर अगर देखें तो इतनी कला, इतना खाने का, इतना चिकनकारी कपड़ों का या इतने ट्रेडिशंस का कोई शहर मालदार नहीं होगा जितना हमारा शहर लखनऊ है। हालांकि हम लखनऊ के नहीं है, हमारा तो गांव सैफ ही है, लेकिन जब से लखनऊ में आए हमें लगता है ये शहर भी हमारा ही है। ये आपने ठीक कहा कि हम लोगों को आराम करने वालों को नहीं भेजना चाहिए वहां पर। हालांकि हमें ऐसे एक दिन मिल गए थे दोनों लोग, तो इन्हें भी इस बात की सबसे सम्मान कर दिया। और आज आपसे हमारा आमना सामना हो गया, पर्चे बच्चों ने करा दिया, मौका मिलेगा तो आपको भी हम सम्मान करने का सम्मान किया। ये सरकार सम्मान तो कर नहीं रही है, हमारे इन लोगों की पेंशन भी छीन ली। कोई सम्मान के साथ पेंशन नहीं देता था, क्योंकि हम पेंशन इसलिए दे रहे हैं कि कलाकार अमीर नहीं होता। कलाकार कभी अपने संसाधनों से ही चुका करके करता है कला का सेवा। ये जरूरी नहीं कि सब कला के क्षेत्र में जो ऊंचाई पर पहुंच जाए वो बहुत संसाधन के साथ हो। मुझे याद है वो जो अभी हमारे बीच में ही नहीं, जिनका सम्मान कभी रीता गांगुली ने मुझसे करवाया था, सरीना बेगम जी। और जिस समय बेगम अख्तर अवार्ड बन रहा था तो मैंने कहा कि वो पुराने गाने वाले, मैं तो नहीं जानता हूं कौन गाता है, उस म्यूजिक को भी मैंने नहीं सुना है। तो मैंने कहा कि अवार्ड जब आपने तय किया है तो जिनको अवार्ड देना है वो भी आप तय करिए। तो रीता गांगुली जी ने उनको तय किया था। और उस समय के अखबार ने लिखा, जो अवार्ड का मैंने पैसा दिया उनको, जब पत्रकार उनके पास गए उनसे पूछा कि आखिरकार जो आपको 5 लाख रुपए मिले इसका क्या किया आपने, तो वही सजय बेगम ने कहा कि जो 5 लाख आपने दिए हैं
जिस सरकार से हमें मिले हैं उससे हमने अपना बिजली का बिल, कुछ उधार था वो पैसा वापस कर दिया, कुछ घर में काम होना था वो कर दिया, फ्रिज खरीदी, जो हमें सम्मान मिला था हम पे कुछ बहुत मामूली पैसे बचे। और आखिरी वक्त में कुछ महीने पहले जिसकी आवाज सबने सुनी, टीवी पर, रेडियो पर, हर जगह पहुंची, और आखिरी वक्त में भी इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अगर किसी ने मदद की है तो समाजवादी लोगों ने आखिरी वक्त में। हम समाजवादी लोग आगे नहीं आए, लेकिन उस परिवार की मदद करने का काम अगर किसी ने किया समाजवादी लोगों ने, तो इसलिए कला का संरक्षण करने का काम जिम्मेदारी सरकार की है। और हम आप तमाम कलाकारों को ये भरोसा दिला सकते हैं कि समाजवादी लोग हमेशा कला को बचाने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम, और कैसे हमारे कलाकार भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाएं उसके लिए जरूर समाजवादी लोग काम करेंगे। क्योंकि जो काम करके दिखाया, हालांकि मेट्रो पे हम जब से चली वहीं बैठे, लेकिन मेट्रो भी जब बनी तो मैंने कहा कि देश में कहीं चल रही हो न चल रही हो भाषा, ये लखनऊ है तो डिस्प्ले पे उर्दू चलेगी, और हम लोगों ने उर्दू को शामिल कर दिया उसका। और जो लोगों को लेकर के, उसके लोगों को लेकर के जो कॉम्पिटिशन हुआ कि आखिरकार हमारी मेट्रो कैसी दिखेगी, उसमें साइन क्या होगा, तो उस कॉम्पिटिशन में जब निकल करके आया तो रूबी दरवाजा ही दिखता है अपनी मेट्रो के ऊपर, और उसके ध्यान से दरवाजा कर देखेंगे मेट्रो, अगर ध्यान से देखेंगे मेट्रो के जो साइड में बना हुआ है वो जो चिकनकारी हमारे कपड़ों पे होती है, उसी चिकनकारी का हमने डिजाइन उस मेट्रो के साइड पर डालने का काम किया। अभी तो 10 किलोमीटर बनी है, आने वाले समय में 20 होगी, 23 किलोमीटर हो जाएगी। और ये देन भी समाजवादियों की है, ये जो बिल्डिंग खूबसूरत बनी है, चाहे वो जिमनासी बनी हो या जो यहाँ पर संस्कृति स्कूल बना है, मैं तो कहता हूँ कि अगर चकदरिया देखने तो प्राइवेट लोग भी ऐसी चकदरिया टाउनशिप नहीं बना सकते जो सरकार ने बना करके दिखा। बहुत शानदार, पहली बार आर्किटेक्ट्स को, पहली बार डिजाइन को, पहली बार इनोवेशन को, और नई चीजें कैसे इंक्लूड हो सरकारी कामों में, वो समाजवादियों ने करके देखा। वो अलग बात है कि साइकिल ट्रैक यहाँ कितना बन सकता है, सड़क कितनी चौड़ी है, उसको भी शामिल किया। और नदी का किनारा तो इसलिए अच्छा बनाया कि कम से कम कोई लोग घूमे तो जाकर के वहां। मैं आज सुबह गया था, बर्बाद कर दिया उस नदी के किनारे को सरकार के लोगों ने, जहां पर पेड़ लगे थे, जहां पर फूलों वाले पेड़ लगे थे, लोग तारीफ करते हैं कि दुनिया में दूसरी जगह जाते हैं तो चेरी ब्लॉसम बहुत अच्छी लगती है, चेरी के पेड़ अच्छे लगते हैं, हमारे पास उससे अच्छे पेड़ है लेकिन कभी हमने पेड़ नहीं लगाया। इसलिए समाजवादी सरकार बनी थी तो नदी के किनारे जो पेड़ लगाए थे वो ऐसे लगाए थे कि कम से कम हर महीने या 2-3 महीने बाद ब्लूमिंग करें, सीजन दिखाई दे कि हाँ लखनऊ में एक ब्लूमिंग सीजन भी है। और तो पेड़ यही के हैं, हमारे पत्रकार साथी भी नहीं पढ़ते लिखते कुछ, कुछ हमने पेड़ अपने घर से बचा के, क्योंकि हमारी पत्नी को अब पसंद आने लगे पेड़ पौधे। अक्सर जब घर किराए से दूसरे घर में जाते हैं लोग तो अपने गमले के साथ ले जाते, कौन नहीं ले जाता गमले बताओ। जो पेड़ हमने संभाले समझे और किया उसको बढ़ाया, बदकर साथी कह रहे कि विदेश के पेड़, अरे तुमने पेड़ देखे नहीं, समझे नहीं कभी पेड़ों के बारे में, पेड़ भी हमारे और तुम्हारे जैसे हैं, वो भी जीवित हैं, शायद उन्हें भी बुरा लगा होगा कि लगाने वाला ही जा रहा है। इसलिए कम से कम खुशों को मैं साथ ले गया, और वो हमारे पेड़ है, किसी सरकार के पेड़ नहीं है, और सरकार का कोई अधिकारी उनके पेड़ों के नाम बता दे पूरे परिवार के जो नदी के किनारे पेड़ लगाए हैं, टोबोबिया के, क्रोसिया के, वो शायद लखनऊ शहर में एक आध जगह दिखते थे, लेकिन इस तरीके से नदी के किनारे लगाने का काम पहली बार हुआ। ये नदी का किनारा नहीं है, ये लखनऊ की पहचान है। लखनऊ किसी पे बसा है नदी के किनारे, शायद हमारे पुराने लोग जानते होंगे, क्योंकि ये हमसे ज्यादा जानते थे कि 1911 में आपका कॉलेज बना है, इसीलिए ये जानते होंगे कि गोमती के किनारे पूरा शहर बसा है। ये जितनी भी इमारतें हैं ये गोमती के किनारे बनी है, और सबका फ्रंट गोमती की तरफ है, क्योंकि पहले सड़क से नहीं लोग चलते थे, नाव से चलते थे, तो गोमती को रिवर फ्रंट का रूप देना
अगर किसी ने शुरू किया तो समाजवादी लोगों ने किया, और समाजवादी ने इसलिए दिया था कि नई पीढ़ी के लोग हैं ये कहीं घूमने जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जगह दी थी, और बीजेपी के लोगों ने वहां रोमियो स्क्वाड बना दिया। रोमियो की कहानी नहीं जानते वो लोग, अगर शायद रोमियो की कहानी जानते होते तो शायद रोमियो नाम नहीं देते स्क्वाड, लेकिन उन्होंने अब वो क्या करेंगे, वो तो गाने भी नहीं सुनते होंगे, अगर गाने सुनते होते तो शायद नदी के किनारे भी घूमते, वो गाने ही नहीं सुनते तो इसलिए उनको समझ भी नहीं उस बात की, तो नदी का किनारा ही रोक दिया उन्होंने। इतनी शानदार और सबसे बेहतर नदी का किनारा बनने जा रहा था। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी को क्या दें। हमें जो मिला पुरानी पीढ़ी से, अच्छा मिला बुरा मिला, लेकिन कम से कम अगर हमने समझ है तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को हम साफ सुथरी नदी देकर खिंचाएं, और देश में अगर सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट और मैं दावा कर सकता हूं कभी साबरमती देखा ना, साबरमती देखोगे तो बेकार लगेगा, और लखनऊ का अगर गोमती का रिवर फ्रंट देखोगे तो उससे बेहतर और कई गुना बेहतर आपको रिवर फ्रंट लखनऊ का देखा। एक अखबार ने लिखा, एक अखबार ने फ्रंट पेज पे नहीं लिखा, सिटी के पेज पे लिखा कि ये साबरमती से भी अच्छा रिवर फ्रंट है। चलो कभी कभी तो सच लिखते हो आप। पूर्व सीएम अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव कर रहे हैं। जो मेरे घर में पेड़ हैं वो विदेशी नहीं, आज सुबह भी यही बात बोली थी जब अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट पहुंचे थे, साइकिल भी चलाई क्रिकेट भी खेला, उस मौके पर भी ये बात कही थी कि मेरे घर में जो पेड़ है वो विदेशी नहीं है। समाजवादी लोग कला को बचाते हैं, हमारी सरकार ने गोमती नदी के किनारे पेड़ लगाए थे, ये सरकार उसका रखरखाव नहीं कर पा रही। मौजूदा सरकार पर, योगी सरकार पर निशाना साधा अखिलेश यादव ने, सम्मान के साथ कोई पेंशन। तमाम नई पीढ़ी के आने वाले कलाकारों से मिलने का मौका मिला, पता नहीं इसमें से कौन सा ऐसा कलाकार हो जो न केवल लखनऊ का, देश का नाम रोशन कर रहा हो। मैं तो ये कह सकता हूँ गरीब से लेकर के ऊंचाई तक अपने जीवन में पहुंच जाते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जीवन में, बहुत सारे लोगों के उदाहरण है। मोहम्मद रफी वो क्या थे, उनके पिताजी क्या थे, कुछ भी नहीं, वो एक शेविंग करते थे, उनकी सैलून था, लेकिन सोचो उनकी कला ने उनके गाने के उसने कहां पहुंचा दिया होगा। मेहदी हसन साहब क्या थे, पैदा जरूर भारत में हुए थे, लिखने की मैकेनिक की दुकान थी, लेकिन आज भी दुनिया में उनसे बेहतर कोई गजल नहीं गा सकता। ऐसे बहुत सारे, ये तो म्यूजिक के हिस्से के, ऐसी राजनीति के क्षेत्र में तमाम लोग हैं जो कहां से कहां पहुंच रहे, किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, इसलिए पता नहीं कौन सा यहाँ से कलाकार किस ऊंचाई तक चला जाए। और आज प्रोफेसर साहब को मैं कहता हूं, आपको अगली बार जब मिलोगे हमसे तब शिकायत कोई नहीं होगी, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इन्हीं हमारे साथियों के साथ देखेंगे, इन साथियों को कह रहे हैं आज भी जो फैसले है समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हमारे जितने प्रतिष्ठित सम्मानित लोग हैं यश भारती से उनको दोबारा पेंशन उतनी शुरू करने का करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं एक बार फिर विशाल का धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मेरी बनाई है, लेकिन उसमें लाडो भी मिस हो गई, अगली बार जब बनाओ तो लाडो भी जरूर ऐड करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ये प्रदर्शनी और ये कलाकार ऊंचाई तक पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी उन्होंने खत्म की है, निशाना साधते हुए मौजूदा सरकार पर गोमती नदी के किनारे पेड़ लगाने का काम पहली बार हुआ, समाजवादी सरकार ने गोमती को रिवर फ्रंट का रूप दिया। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए, जैसा कि हर पूर्व मुख्यमंत्री करता है, अपनी सारी सरकार की तारीफ करता है, कामकाज की तारीफ करता है, मौजूदा सरकार पर सवाल उठाता है, अखिलेश यादव भी वही करते हुए अपने सरकार के कार्यकाल की तारीफ की, मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। ये देखिए तस्वीरें, अखिलेश यादव लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
आज सुबह अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट भी पहुंचे थे, क्रिकेट भी खेला, साइकिल भी चलाई, एक्टिव नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से अभी अखिलेश यादव। हाल ही में बंगला चेंज किया है, नए बंगले में शिफ्ट हुए हैं, कल ही नए बंगले में शिफ्ट हुए हैं अखिलेश यादव। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा कि हमारी सरकार ने गोमती नदी के किनारे पेड़ लगाए थे, मौजूदा सरकार रखरखाव नहीं कर रही, पेड़ भी हमारे और तुम्हारे जैसे हैं, उन्हें भी बुरा लगा होगा। गोमती नदी के किनारे पेड़ लगाने का काम पहली बार हुआ था, यानी अपनी सरकार की तारीफ की। हमारी जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी को हम क्या दें, अपनी सरकार की तारीफ की कि हमने सब कुछ किया, गोमती रिवर फ्रंट बनाया, एक नई पहचान लखनऊ को दी, गोमती नदी के किनारे इतना सुंदर रिवर फ्रंट बनाया, उसमें पेड़ लगाए,